आगे बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। एक तरफ राजस्थान के अंदर शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां चल रही थी, भारत के प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण समारोह के अंदर शामिल थे। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि हनुमानगढ़ के अंदर भारतीय डाक ग्रामीण सेवा संघ के प्रतिनिधि द्वारा लगातार अपने 7 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना लगातार जारी था। देखते हैं हनुमानगढ़ से ये खास रिपोर्ट। जैक्सन के मुख्य डाकघर में ग्रामीण डाक सेवकों का धरना चौथे दिन भी जारी रहा। जयप्रकाश शर्मा व राम सिंह ने बताया कि सरकार हमारी 7 सूत्रीय मांगे नहीं मान रही है, इसके चलते धरना स्थल पर सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें थाली बजाकर केंद्र सरकार को जगाने का प्रयास किया गया। धरना स्थल पर संघ के उपाध्यक्ष राधेश्याम, सचिव राम सिंह, श्री कुमार कमलानी, वेद प्रकाश, भारी संख्या में ग्रामीण डाक सेवक उपस्थित रहे। मुख्य डाकघर में जहाँ पर ग्रामीण डाक सेवक संघ के बैनर तले ग्रामीण डाक सेवकों ने गत 4 दिनों से धरना लगा रखा है। आपको बता दें कि डाक सेवकों के धरने के चलते लगभग हनुमानगढ़ में 80% काम डाक सेवा का प्रभावित हो रहा है। इस संबंध में हम विस्तार से जानेंगे कि क्या है डाक सेवकों की मांग। हनुमानगढ़ से मनीष कौशिक की रिपोर्ट। दिल्ली की हमारी जो सेंट्रल की कमेटी है उसके आह्वान पे ये हड़ताल है और आज हमारा चौथा दिन। कल हमने सद्बुद्धि यज्ञ किया था कि सरकार को सद्बुद्धि आए, आज हमने थाली बजा करके ये किया है कि सोई हुई सरकार जागे और हमारी 7 सूत्री जो मांगे हैं उन पर विचार करें। पहली मांग हमारी ये है कि 2016 में कमलेश चंद्र कमेटी का गठन किया गया था, जिसकी रिपोर्ट आ गई, वो रिपोर्ट सरकार लागू नहीं करे। दूसरा ये है कि हम जो काम करते हैं गांव में 2,70,000 कर्मचारी, तनख्वाह हमें 4 घंटे और 5 घंटे की दी जाती है और काम हमसे 8 और 10 घंटे का लिया जाता है। इसलिए हमारी ये मांग है कि हमारा कार्य का जो है विस्तार किया जाए और 8 घंटे की ड्यूटी हमारी की जाए। और जो स्वास्थ्य की मांग है, ग्रेजुएटी की मांग है और जो पेंशन की मांग है, हमारा कर्मचारी जब बूढ़ा हो जाता है, घर जाता है, तो ग्रेजुएटी के नाम पे या पेंशन के नाम पे कुछ भी नहीं लेके जाता, वो यूं ही चला जाता है। इसलिए हमारी मांग है कि हमें ग्रेजुएटी दी जाए, पेंशन दी जाए, अन्य जो नियमित कर्मचारी को जो सुविधाएं मिलती है वो सुविधा मिले। हमारा एक कर्मचारी डाक वितरण का काम जो है 40 और 50 किलोमीटर में करता है, उसको डाक वितरण के लिए न तो कोई मोटरसाइकिल के तेल के पैसे दिए जाते हैं, न कोई और ट्रेवलिंग अलाउंस दिया जाता है, कुछ नहीं दिया जाता। वो सुबह निकलने के बाद 8 या 9 बजे अपने घर पहुंचता है, लेकिन उसको कुछ भी इस प्रकार की सुविधाएं नहीं दी जाती। इसलिए हमारी मांग है ये सरकार से कि ये तमाम जो हमारा 7 सूत्री मांग पत्र है इस पर विचार करें और कर्मचारियों की तरह हमारे साथ व्यवहार करें, टारगेट के नाम पर शोषण करना बंद करें और हमें नियमित करके सुविधा दें ताकि हमारे परिवार भी